वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ईयर प्लान्स। सबसे पहले आपके पास है 5th 5 ईयर प्लान, तो इसको मॉडल किसने किया था, मतलब ड्राफ्ट किसने किया था, सबसे पहला क्वेश्चन ये है। 1974 से 79 के बीच में आपको एक मेजर इवेंट देखने को मिलेगा। इवेंट क्या था उस टाइम पे? इमरजेंसी लगी हुई थी। क्या लगी हुई थी? इमरजेंसी लगी हुई थी। तो उस टाइम पे किसका माहौल था? डर का माहौल था। तो इसे धार ने रिड्राफ्ट किया था। किसने किया था? धार ने, डीपी धार ने रिड्राफ्ट किया था। तो याद रखना, यूजुअली स्टार्टिंग में क्या हुआ था, इसको एक 10 साल का लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव प्लान के साथ शुरू किया था। 10 ईयर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव प्लान के अकॉर्डिंगली शुरू किया गया था। इसमें क्या क्या मेजर चीजें थी? सबसे पहले पॉवर्टी इरेडिकेशन के बारे में बोला गया था इसमें, फिर सेल्फ रिलायंस के बारे में बोला हुआ था, फिर 20 पॉइंट प्रोग्राम और मिनिमम नीड प्रोग्राम। आपको ये दोनों इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि 20 पॉइंट प्रोग्राम, 20 पॉइंट प्रोग्राम ये किस में आया था? ये आया था 5th 5 ईयर प्लान में। और मिनिमम नीड प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम ये भी किस में आया था? ये भी आया था आपके पास 5th 5 ईयर प्लान में। तो 5th 5 ईयर प्लान में आप ऐसे याद रखो, पीटीएम, पेरेंट्स टीचर मीटिंग हुई। डर के मारे पेरेंट टीचर मीटिंग में नहीं गए और खुद पे भरोसा कर लिया, सेल्फ रिलायंस। तो ऐसे जैसी मर्जी याद रखो, कल मतलब आपसे कभी भी पूछा जाए 20 पॉइंट प्रोग्राम, तो डायरेक्ट आपके दिमाग में आना चाहिए 5th 5 ईयर प्लान। वहां पे सोचना नहीं है कि कौन सा 5 ईयर पहले आप ये बनाने बैठोगे, फिर आप देखोगे कौन सा, इतना टाइम नहीं होगा। मिनिमम नीड प्रोग्राम, कौन सा 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान डायरेक्ट याद रखना। पीटीएम, T4 टीचर, T420, M4 मिनिमम नीड प्रोग्राम, पीटीएम, M4 मीटिंग। तो पीटीएम में आपको याद रखना है 20 पॉइंट प्रोग्राम, मिनिमम नीड प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 78 से 80 का टाइम पीरियड, 78 से 80 के टाइम पीरियड में क्या हुआ कि छुट्टी ले ली, होल्डिंग प्लान ले लिया। क्या ले लिया? होल्डिंग प्लान। उस टाइम पे मोरारजी देसाई की सरकार थी, होल्डिंग प्लान आगे थे, एक एक दो दो साल के लिए उन सबके, ठीक है। तो हम बात करेंगे 80 से लेके 85 की, ये 6th 5 ईयर प्लान था आपके पास। कौन सा था? 6th 5 ईयर प्लान था। तो इसमें याद रखना है आपको कौन सा, सबसे पहले 6th 5 ईयर प्लान। इसके नोट्स बनाते रहना, अदरवाइज आप भूल जाओगे सारी चीजें और यहां से एक क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। 6th 5 ईयर प्लान में किसके ऊपर फोकस था? बेसिकली लोकल डेवलपमेंट स्कीम के ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर। तो ये जनरल सी बातें हैं। जैसे मिनिमम नीड प्रोग्राम था, वो एक स्पेशल प्रोग्राम था, ठीक है, उसके बारे में आपको ध्यान में रखना है। 20 पॉइंट प्रोग्राम था, वो भी एक स्पेशल था, पर इसमें जनरल बातें हैं। तो 6th में मेल याद रखना, ठीक है। 6th क्लास में मेल चलाना शुरू कर देते हैं, मेल चलाना शुरू कर देते हैं, ईमेल चलाना। तो मैनेजमेंट, A4 एग्रीकल्चर, I4 इंडस्ट्री, L4 लोकल डेवलपमेंट स्कीम। तो ये चीज याद रखना। फिर 7th की अगर हम बात करें तो 7th में आपके पास कहां से कहां शुरू होगा? 7th 5 ईयर प्लान आपका देखने को मिलेगा 1985 से लेके 1990 तक देखने को मिलेगा 7th 5 ईयर प्लान। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि जवाहर रोजगार योजना ये कौन से 5 ईयर प्लान में शुरू हुई। तो मैच द फॉलोइंग में ऐसे सामने देंगे कुछ ना कुछ, या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। डायरेक्ट होगा तो आपको ज्यादा मुश्किल होगा, डायरेक्ट में आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो जवाहर रोजगार योजना ये 1989 में देखने को मिली है। कब देखने को मिली है? 1989 में। रोजगार को याद रख लो आप, रोजगार क्या होता है कि 7ों दिन काम करना। रोजगार का मतलब है कि 7ों दिन काम करना, ठीक है, 7 डे वर्क करना, 7 दिन काम करना। तो बस याद रखने के लिए, जरूरी नहीं है, ठीक है, रोजगार को 7 दिन काम से याद रख लो तो ये हो गया। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो गया, जवाहर रोजगार योजना हो गया, ये तो इन दोनों से पता चल गया। जब रोजगार योजना चलाई है तो एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर रहे हैं। फिर फूड ग्रेन प्रोडक्शन वाज डबल्ड। और हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात इसी में हुई थी, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात इसी में हुई थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये कौन सा था, और ये बेसिकली प्रणब मुखर्जी मॉडल था। ये कौन सा था? प्रणब मुखर्जी मॉडल। तो इसे भी कैसे याद रखोगे? जवाहरलाल नेहरू ने प्रण लिया कि सबको रोजगार देना है, जवाहरलाल नेहरू ने प्रण लिया कि सबको रोजगार देना है। तो 7th 5 ईयर प्लान में आपको याद रखना है रोजगार सबसे इंपॉर्टेंट था, जवाहर रोजगार योजना। 7th को एसोसिएट कर लो रोजगार से, किससे? रोजगार से। और रोजगार को एसोसिएट कर लो प्रणब मुखर्जी मॉडल से, ठीक है।
बेसिकली ये 89 तक चला था, फिर 90 से 91 तक कोई मॉडल नहीं आया था आपके पास। फिर हम बात करें अगर 8th 5 ईयर प्लान की, किसकी? 8th 5 ईयर प्लान की। ये आपको देखने को मिलेगा 92 से लेके 97 तक, ठीक है, 1992 से 97 तक। क्योंकि अब यहाँ पे क्या आ गया था, एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए थे। एलपीजी रिफॉर्म्स आ गए थे तो जो नाम भी होगा ना मॉडल का, वो भी थोड़ा अंग्रेजी नाम होगा, ग्लोबल नाम होगा। तो जॉन डब्ल्यू मिलर, जॉन डब्ल्यू मिलर, तो ये याद रख सकते हो कि एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इस मॉडल के ऊपर काम किया गया था, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव थे इस टाइम पे, ये चीज आपको याद रखनी है। फिर अगर हम बात करें 9th 5 ईयर प्लान की, तो 9th 5 ईयर प्लान कब से कब तक हुआ था? 1997 से लेके 2002 तक के बीच में। तो ट्रिक क्या है इसकी? ESPN, एम्प्लॉयमेंट देंगे वुमेन के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए। हाँ, तो यहाँ पे 7 बेसिक मिनिमम सर्विस आ जाएगा। 7 बेसिक मिनिमम सर्विस प्रोग्राम ये कब शुरू हुआ? तो 1997 आ रहा है, तो यहाँ पे 7 आ रहा है, तो 7 बेसिक आप ऐसे याद रख सकते हो। 1997 कौन सा प्लान था? ये 9th प्लान था। तो इस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स, प्राइमरी एजुकेशन, पीडीएस, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, इसमें ज्यादा अच्छे अच्छे काम हुए थे 1997 से 2002 के बीच में, क्योंकि एलपीजी रिफॉर्म्स आ चुके थे, ठीक है। 9th वाले का जो थीम थी वो क्या थी? ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस के साथ ग्रो करना है, ठीक है। और मोस्टली इंडिकेटिव प्लानिंग थी ये, मोस्टली क्या थी? इंडिकेटिव प्लानिंग। 10th आपको कब से कब देखने को मिलेगी? 2002 से लेके 7 तक, 2002 से 7 तक। ये बेसिकली फेल हो गई थी, 9th वाली फेल हो गई थी। 11th वाली आपको देखने को मिलेगी 2007 से 12। इसका जो थीम थी वो थी इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या थीम थी? इंक्लूसिव ग्रोथ थीम थी इसकी, ठीक है। और जो 12 से 17 जो लास्ट थी आपकी, 12th फाइनेंशियल 5 ईयर प्लान था, उसमें क्या था? फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। आपसे थीम भी पूछी जा सकती है। क्या पूछी जा सकती है? थीम भी पूछी जा सकती है। सो अब क्वेश्चन नंबर 1, जवाहर रोजगार योजना कब शुरू की गई, मतलब कौन से 5 ईयर प्लान में शुरू की गई? कौन से 5 ईयर प्लान में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई? तो रोजगार योजना, रोजगार का मतलब 7ों दिन, तो 7th 5 ईयर प्लान में। तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रण प्रण लिया था, तो प्रणब मुखर्जी मॉडल, ठीक है। मिनिमम नीड प्रोग्राम कब शुरू किया गया? मिनिमम नीड प्रोग्राम कब शुरू किया गया? तो ये आपको बताना है, ये 5th 5 ईयर प्लान में शुरू किया गया था। 5th 5 ईयर 20 पॉइंट प्रोग्राम, ठीक है। तो ये भी आपका 5th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान में था। पीटीएम याद रखना, पीटीएम पॉवर्टी एलिमिनेट करो 20 ईयर और मिनिमम नीड, तो ये दोनों ही ध्यान में रखना आप। उसके बाद जॉन डब्ल्यू मिलर 9th जो मॉडल था, 9th जो 5 ईयर प्लान था, वो आपका कब से कब देखने को मिलेगा? 92 से 97। 9 आ गया तो यहाँ पे भी 92 से 97 आ गया। तो ये मिलर ने, मिलर का मॉडल था। किसका मॉडल था? मिलर का मॉडल था। अगर बात करें 74 से 79, ये 5th 5 ईयर प्लान था। इस टाइम पे डर बैठा हुआ था, डर धार, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। तो उसके बाद 69 से 74, ये आपका 4th 5 ईयर प्लान था, 4th 5 ईयर प्लान था। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन गरीबी हटाओ का कैंपेन नारा दिया था, गरीबी हटाओ का नारा यहाँ पे दिया था, पर जो एक्चुअली में ऐड किया था गरीबी हटाओ वाला काम, वो 5th 5 ईयर प्लान में किया था। नारा देना अलग होता है इलेक्शन के टाइम पे, पर 5 ईयर प्लान का मेन थीम होना वो अलग चीज होती है, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा इस टाइम पे दिया था। ये अशोक रुद्र और मैनी मॉडल के ऊपर था, अशोक रुद्र एंड मैनी मॉडल, किसके? मैनी मॉडल, इसके ऊपर बेस्ड था ये 4th 5 ईयर प्लान। तो ये सब 5 ईयर प्लान्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कुछ ट्रिक्स थी, जैसे पीटीएम हो गया, ESPN हो गया 9th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। इनकी थीम्स का आइडिया रखना है। तो यहां से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं।